खुददार लड़का। राम के बड़े भाई ने एक बार उसे एक महंगी गाड़ी गिफ्ट में दी। एक दिन बाहर निकलने पर राम ने देखा कि 14-15 साल का एक गरीब लड़का गाड़ी के अंदर झांक रहा था। राम को आते देखकर वह पीछे हट गया। फिर धीरे से उसने राम से पूछा, अंकल क्या ये गाड़ी आपकी है? राम बहुत अच्छे मूड में था। वो बोला, हाँ मेरे भाई ने ये कार मुझे गिफ्ट में दी है। लड़का हैरान होकर बोला, अच्छा तो आपको इस गाड़ी का कोई पैसा नहीं देना पड़ा? राम सोचने लगा कि वो बोलेगा, काश मेरा भी ऐसा कोई भाई होता। लेकिन इसके बजाय वो लड़का बोला, काश मैं भी एक दिन ऐसा बड़ा भाई बन पाऊँ जो अपने छोटे भाई को ऐसा शानदार गिफ्ट दे सके। राम उसकी बातों से काफ़ी खुश था। राम ने उससे पूछा, चलो तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूँ? लड़का खुशी से खिल उठा। दोनों गाड़ी में बैठ गए। जब गाड़ी आगे बढ़ी तो लड़के ने कहा, क्या आप मेरे घर के सामने थोड़ी देर रुक सकते हैं? राम ने मुंह बनाते हुए सोचा, गरीब लोगों की यही बात मुझे पसंद नहीं है। मैंने ज़रा उससे पूछ क्या लिया, अब ये पूरे मोहल्ले में अपना रौब दिखाएगा और बोलेगा, देख कितना बड़ा साहब मुझे घर तक छोड़ने आया है। राम कुछ जवाब देता उसके पहले ही लड़का बोल पड़ा, बस वो जो सीढ़ी दिख रही है ना, वहीं गाड़ी रोक देना, आप यहीं रुकना, मैं बस 2 मिनट में आया। वह लड़का दौड़ता हुआ सीढ़ियों के ऊपर चला गया। कुछ ही पल बाद राम ने देखा वो लड़का सीढ़ियों से नीचे आ रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे से संभल कर उतरते हुए, और उसने एक छोटे से लड़के को अपने गोद में उठा रखा है जिसके दोनों पैर नहीं है। नीचे उतर कर अंतिम सीढ़ी पर अपने भाई को बिठा कर वह भाई से बोला, देखा जैसा मैंने तुमको ऊपर बताई थी ठीक वैसी ही है ना, अंकल के बड़े भाई ने उन्हें गिफ्ट में दी है, एक दिन मैं भी तुम्हें ऐसी ही गाड़ी गिफ्ट में दूंगा, फिर तुम्हें पूरे शहर की सैर कराने लेकर जाऊंगा, और वह जो बाजार है ना जहां से मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आता हूं वह भी तुम्हें दिखाऊंगा। राम को एहसास हुआ कि वह फिर एक बार गलत निकला। गाड़ी से उतर के वह दोनों से बोला, क्यों ना हम आज ही सैर पर चलें। दोनों लड़कों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे, वह उनके लिए एक यादगार दिन था। राम को भी उनका साथ अच्छा लगा। दोस्तों, कई बार हम बिना सोचे समझे किसी अन्य के बारे में गलत धारणा बना लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बिना सोचे समझे किसी अन्य के बारे में धारणा बनाना अहंकार का सूचक है। आपको कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब